फेफड़ों को ही नहीं शरीर के इन अंगों को भी प्रभावित कर रहा है कोरोना। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ तो फेफड़े में निमोनिया से बात शुरू हुई थी, लेकिन मामले बढ़ने के साथ अब यह देखा जा रहा है कि वायरस शरीर में प्रवेश तो फेफड़े के जरिए करता है, लेकिन उसका संक्रमण फेफड़े के नीचे शरीर के अन्य अंगों व आंत में भी हो रहा है। एम्स के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि यह वायरस शरीर में मौजूद ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर मिलकर महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर कहते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण फेफड़ों में सूजन, धमनियों में ब्लॉकेज व कुछ मरीजों में आंतरिक रक्त स्त्राव की समस्या देखी जा रही है।